स्तान का हूँ लड़का, मैं सीधा नहीं भड़का, न जाने क्यों दुनिया की भाग दौड़ में अड़का। हाय, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ आप सबका दोस्त होस्ट, आपका अपना मूड मैकेनिक आमिर सुहेल खान। और जैसे कि मैं लगातार आपको नए नए चेहरों से मिलाता हूँ, चाहे बात की जाए बॉलीवुड की या चाहे बात की जाए स्पोर्ट्स की। और आज मेरे साथ जम्मू के एक ऐसे रैपर हैं जो डोगरी में रैप वगैरह भी बोलते हैं, और उसके साथ साथ इन्होंने छोटी उम्र में बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग्स वगैरह खुद राइट भी किए हैं और खुद कंपोज करने के बाद उनको खुद गाया भी है। और मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने दोस्त की, नागर जी की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, मेरे साथ नागर जी हैं। नागर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे द अर्थ न्यूज़ में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये नागर जी जो हैं, इन्होंने एक सॉन्ग लिखा था लास्ट टाइम चौधरी लाल सिंह जी पे, उसके बाद इनको जम्मू से काफ़ी लोगों ने चाहा, इनकी काफ़ी सारी पब्लिसिटी भी हुई जम्मू के अंदर और लोगों ने काफ़ी सारा प्यार भी दिया। और आज मेरे साथ नागर जी जुड़े हुए हैं। नागर जी, आपने रैप की दुनिया में आने के लिए सबसे पहले कौन सा कदम उठाया? 12th क्लास के पेपर थे तब, जैसे कि मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि 12th क्लास में नया नया क्रेज़ चला था तब ये रैपिंग वगैरह का, तो तभी से मैं लिखना स्टार्ट कर दिया, तभी से मैं गाने वगैरह वाले काम में पड़ गया। रैपर जी, नागर जी, आप एक रैपर हो, और रैपर होने के बाद आपको क्या लगता है कि रैप में सबसे खास चीज़ क्या होनी चाहिए रैप को बनाने के लिए? रिदम और पोइट्री। जी बस, अगर ये दो चीज़ें इंसान के पास ना हों तो क्या इंसान रैपर नहीं बन सकता है? नहीं, क्योंकि राइटिंग मस्ट है, वो सबसे ज़रूरी है राइटिंग। तो अभी skills. अभी अभी जम्मू के अंदर आपने कौन सा नया वाला सॉन्ग हमारे जम्मू के लोगों के लिए लॉन्च किया है? अभी रिसेंट आया मेरा शेर डुगर, जो कि डोगरों के ऊपर है, पूरा जम्मू के ऊपर मैंने बताया हुआ, उसका जो भी डिस्क्रिमिनेशन है हमारा जम्मू को लेकर जो चल रहा है इस टाइम, वो मैंने सारा बताया उसमें। किस एक ऐसे सिंगर को आप अपना आइडियल मानते हो रैप की दुनिया में, अगर बात की जाए? बादशाह। बादशाह? जी जी। क्या खास वजह बादशाह की? बोहेमिया भी है, रफ्तार भी है, सारे हैं, लेकिन बादशाह, वो क्या मसला है? उसका स्वैग, वो फ्लो, वो बस, वो सारी चीज़ें। अच्छा, आप इसका मतलब बादशाह को फॉलो भी करते होंगे? जी जी जी। हमारे व्यूवर्स के लिए एक सॉन्ग हो जाए जो आपने अभी हाल ही में जो सॉन्ग सिंगल ट्रैक लॉन्च किया है। जी बिल्कुल। शेर बकरी भी पानी जिथे एक थारे पीन, सारे धर्मां दे लोग भाईचारे कन्ने जीन, राजा हरी सिंह यू ने सानू इको दिती सीख, सारे एक ने बराबर इत्थे नहीं कोई नीच, आपे हल भी चलाया कन्ने बोई गए बीज, फिर पैंतीए दा पत्ता दुए खेली गए, डोगरे आगी खूहां च तकेली गए, 370 आली पाई जेड़ी पहेली गए, आपू दिल्ली गए मजे लुट्टी गए, सारे डोगरे आगी खाई विच सुट्टी गए। थैंक यू गाइज। थैंक यू सो मच। अगर बात की जाए इस वक्त हमारे जम्मू के अंदर टैलेंट को लेके, तो क्या लगता है जम्मू के अंदर जो रैपर हैं वो किस हद तक रैप की दुनिया में अभी नाम कमा रहे हैं? क्या लगता है कि हर एक के लिए रैपर बन जाना, सामने आ जाना, फिर उसके बाद 3-4 लाइनें बोलनी, क्या उसको भी रैपर कहते हैं, जिस तरह से लगातार हमें नए चेहरे दिखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, वैसे ही जैसे स्ट्रगल ही चल रहा है इस टाइम जम्मू में, कोशिश तो पूरी है कि हर कोई बंदा आगे निकले जम्मू का, हमारा जो जम्मू आगे निकले, इस टाइम स्ट्रगल ही कर रहे हैं सारे, तो मैं चाहता हूँ कि सारे आगे निकलें, अपने जम्मू को प्रमोट करें, बस अच्छी चीज़ें लाएं, अच्छा कंटेंट दें हमारे व्यूअर्स को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या कुछ खास मैसेज रहता है आपका हमारे जम्मू के यंग वजह नेशन के लिए आते समय में, क्या कोई नया सॉन्ग उनको सुनाने वाले हो अपनी इस मज़ेदार आवाज़ में? और मेरा एक नया सॉन्ग आने वाला है इंडियन लड़का, वो मैं जल्दी निकाल दूंगा, रिलीज़ करूंगा जल्दी, उसकी 2-3 लाइनें सुनाता हूं मैं आपको। हिंदुस्तान का हूँ लड़का, मैं सीधा नहीं भड़का, न जाने क्यों दुनिया की भाग दौड़ में अड़का, ना मेरा नागर सिंह सतवारी याला कहते हैं, तब भी तो हेटर्स 40 की दूरी पे रहते हैं। थैंक यू, इतना ही खाली अभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, ये थे हमारे साथ हमारे जम्मू के डोगरी रैपर नागर सिंह जी, जिन्होंने अपने आवाज़ में आपको 2 सॉन्ग सुनाए, और अभी इनका हालिया एक सॉन्ग भी लॉन्च होने वाला है, इससे पहले भी इनका एक सॉन्ग लॉन्च हो चुका है जम्मू के डोगराज को लेकर, अगर उनकी बात की जाए तो उन पर इन्होंने एक सॉन्ग निकाला था और जम्मू के अंदर काफ़ी ज़्यादा वो हिट भी हुआ, जम्मू से काफ़ी ज़्यादा प्यार भी मिला इनको उस सॉन्ग के लिए। और अभी हालिया जो इनका दूसरा सॉन्ग है वो इंडियन आर्मी पे आने वाला है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा लोग उसको चाहेंगे, लोग पहले सॉन्ग की तरह उनको प्यार भी देंगे। और इनका ये भी कहना है कि जम्मू के अंदर जितने भी रैपर हैं वो जम्मू को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, और इनकी भी दिल की यही ख्वाहिश है कि सारे के सारे जम्मू का नाम रोशन करें और जम्मू को आगे लेके बढ़ें। ऐसे ही नई ताज़ा अपडेट्स पर आप जुड़े रहें द अर्थ न्यूज़ नेटवर्क पर। कैमरामैन रोहित नंदन के साथ आमिर सुहेल खान, जम्मू। ताज़ा खबरों के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।